नमस्कार दोस्तों, आपका फार्मी टेक चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर गर्मियों के अंदर बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक पर, तो वो होती है करेले। आप इस मौसम के अंदर करेले के बीज जरूर लगाएँ। आपको एक बार लगाने के बाद पूरी गर्मियों में करेले करेले मिल जाएंगे। नंबर दो पर बात करेंगे भिंडी। आप इस मौसम के अंदर भिंडी की खेती कर सकते हैं। आप अपने किचन गार्डन के अंदर भी भिंडी उगा सकते हैं। एक ही पेड़ के अंदर आपको बहुत सारी ढेरों भिंडियाँ मिल जाएंगी। आप अपने किचन गार्डन के अंदर भिंडी जरूर लगाएं। आगे नंबर तीन पर बात करते हैं बैंगन। आप अपने किचन गार्डन के अंदर बैंगन जरूर लगाएँ। आपको एक ही पेड़ से बहुत सारे बैंगन ही बैंगन प्राप्त हो सकते हैं। गर्मियों में बैंगन का पौधा जरूर लगाएं। नंबर चार पर बात करते हैं तोरी। आप अपने किचन गार्डन के अंदर तोरई भी लगा सकते हैं। तोरई एक बेल पर आपको देख सकते हैं कि इमेज में आपको नज़र आता होगा कितनी तोरी होती हैं। आप अपने किचन गार्डन के अंदर तोरई जरूर लगाएं। नंबर पाँच पर बात करेंगे हरा धनिया। आप अपने किचन गार्डन के अंदर हरा धनिया भी लगा सकते हैं। हरा धनिया हर सब्जियों में उपयोग होता है और आप एक बार इसको लगा दें, इसकी लगभग दो से तीन बार कटिंग कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में हरे धनिया को आप कम धूप वाली जगह पर लगाएं। नंबर पर छः पर बात करते हैं टमाटर। टमाटर भी एक बहुत ही अच्छी फसल होती है और यह हर मौसम में उगाई जाने वाला पौधा होता है, इसलिए आप गर्मियों के मौसम में टमाटर भी लगा सकते हैं। लेकिन गर्मियों में यह जल्दी झुलस जाता है, इसलिए आपको कम धूप वाली जगह पर लगाना होगा। आगे बात करते हैं कुछ सलाद वाली सब्जियां, जैसे कि खीरा, ककड़ी, टिंडे, तरबूज, पेठा, ऐसी चीज़ें भी आप अपने किचन गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। आगे बात करते हैं टिंडे। आप गर्मियों के मौसम में टिंडे की बेल जरूर लगाएं। ये गर्मियों के अंदर बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे तरह से ग्रो होती हैं। आगे बात करेंगे लौकी की। आप गर्मियों के मौसम में लौकी की बेल भी लगा सकते हैं। लौकी की बेल बहुत जल्दी से ग्रो होती है और एक ही बेल के ऊपर आपको ढेरों सारी लौकियाँ मिल जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स।